The perpendicular bisector of x plus y plus 2 is equal to 0 and x minus y minus 1 is equal to 0 of sides AB and AC of a triangle AB intersect them at minus 1 comma minus 1 and 2 comma 1 respectively. If the midpoint of the BC is P, then the distance of the point from the orthocenter of triangle is. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ से तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें given the perpendicular bisector of these two lines of side AB and AC. तो means हमें given है कि side AB क्या है, side AB है x plus y plus 2 is equal to 0 and side AC क्या है x minus y minus 1 is equal to 0, क्योंकि हमें उन्हीं के bisector दिए हुए हैं. ठीक है, तो अगेन अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूंगा तो इस लाइन का स्लोप है minus 1, ओके, और इस लाइन का स्लोप अगर मैं देखूंगा तो इस लाइन का स्लोप है m is equal to 1. तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 है, इट मींस एंगल ए कितना हो गया 90 डिग्री. तो इस पर चला हमें ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अब हमें ये भी गिवन है, क्या गिवन है हमें कि जो बाइसेक्टर है सी इफ इसके बाद हमें गिवन है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस इंटरसेक्ट देम एट -1, 1 एंड 2, 1. तो यहां से अगर इसका बाइसेक्टर हमें पता है कहां पे कट करता है, ये ए बी को कट करता है किस पे, हमें गिवन है -1, 1 पे. तो बाइसेक्टर हमेशा मिड पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या हो गया -1, -1. सिमिलरली इसका मिड पॉइंट हमें कितना गिवन है, इसका मिड पॉइंट हमें गिवन है 2, 1. अब ए के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं कैसे, हमें पता है x plus y plus 2 is equal to 0 है और x minus y minus 1 is equal to 0 है. तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 2x, फिर आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या गई, x इज इक्वल टू -1/2, तो y क्या जाएगा हमारा इक्वल टू -3/2. तो वैल्यू आ जाएगी -1/2, -3/2. ओके, अब ये अगर मिड पॉइंट है तो सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास में क्या होंगे, लेट्स सी. ये माइनस वन है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में -3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा -1/2. ओके, सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ से तो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास में ये क्या है 2, 1. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास में कितने, 5/2, c. मिड पॉइंट थ्योरम से लगाएंगे कि इसके और इसके कोफिशियंट का हाफ इसके 2 के इक्वल होगा और वाई कोफिशियंट का भी हाफ क्या होगा, 1 के इक्वल होगा. तो सिमिलरली आ जाएगा हमारे पास में कितना, 7/2. ओके, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरी, यहाँ पे 2 चाहिए हमें, तो मींस -1/2 + x इसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आना चाहिए, 9/2 आना चाहिए. ओके, सो दिस इज 9/2 और कॉमा में क्या जाएगा हमारे पास में 7/2. नाउ अब हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर क्या होता है, हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ऑर्थोसेंटर इज ऑर्थोसेंटर और पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी. तो मिड, तो हमें पता है कि पी पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है इसका कोएफिशिएंट प्लस इसका कोएफिशिएंट का हाफ. तो 9/2 - 3/2 इज व्हाट, इट इज 6/2, 3. तो उसका भी हाफ, तो 3/2. फिर 7/2 + -1/2 इज 6/2, उसका भी हाफ, तो आ जाएगा 3/2. तो पी पॉइंट क्या है, 3/2, 3/2. अब हमें पता है ऑर्थोसेंटर से डिस्टेंस पता नहीं, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऑर्थोसेंटर क्या होता है, वो एंगल जिसपे 90 डिग्री बनता है. तो हमारा ऑर्थोसेंटर है ए. तो अब डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ से, तो डिस्टेंस AP क्या जाएगी, AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 - -1/2 इज 3/2 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - -3/2 विच इज प्लस 3/2 होल स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू व्हाट, सी 4/2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड 3/2 + 3 = 3. तो आएगा प्लस 9 इज इक्वल टू √13. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्टेंस AP इज इक्वल टू √13. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी.